गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए कुछ दिलचस्प लेके आए हैं। आज आपके मुंह में पानी आ जाएगा क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं एक लाइव किचन में। आप बिल्कुल सही समझे, आज हम आपको दिखाएंगे कि होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस, कुकिंग क्लासेस किस तरह से होती है और वो किस तरह से इतने दिलचस्प आइटम बनाते हैं। तो चलते हैं कुकिंग क्लास में। तो हम लोग एंटर हो रहे हैं कुकिंग क्लास में। ये देखिए, एक कुकिंग क्लास के लिए टेबल सजी हुई है जहाँ पर बच्चों को आज बहुत सारी चीज़ें बनानी सिखाई जाएंगी। तो देखिए किस तरह से शुरू होती है कुकिंग क्लासेस। सबसे पहले यहाँ पर जो शेफ़ होते हैं, मींस जो आपके किचन के टीचर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स को सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे जो शेफ़ है वो स्टूडेंट्स को, जितने भी नए बच्चे शेफ़ हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं और आप किस किस तरह से काम करेंगे। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से शेफ़ हर एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और इन्हीं इंस्ट्रक्शन के साथ फिर होता है काम शुरू। बच्चों को टेबल बांट दी जाती है और उसके बाद बच्चों को काम डिवाइड हो जाता है और बच्चे सारे अपने काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई चॉपिंग कर रहा है, तो कोई सॉस बना रहा है, कोई श्रेडिंग कर रहा है और कोई फाइन चॉप कर रहा है। और ये देखिए स्टीमर्स में जो है ये स्टूडेंट यहाँ पर चीज़ों को बॉईल कर रहा है और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर पील कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर को चिकन में भी प्रिपरेशन चल रही है, उसमें सीजनिंग चल रही है। तो इस तरह से किचन में सारे काम होते रहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टेबल में अलग अलग काम हो रहे हैं। ये आज ये स्टूडेंट्स जो है, जब हमने इनसे बात की तो ये एक कॉन्टिनेंटल मेन्यू बना रहे हैं और जिसमें ये बहुत सारा अलग अलग डिशेस बना रहे हैं। और ये देखिए, आप देखिए बच्चे कुछ ग्राइंड करके और उसकी पेस्ट बनाएंगे और यहाँ से इन्होंने शुरू कर दिया है चीज़ों को डिस्प्ले करना। और इस तरह से वो चीज़ें डिस्प्ले करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि होल चिकन एक यहाँ पर को तैयार किया जा रहा है, जिसको बॉईल करने के बाद फाइनल गार्निश दी जा रही है। और इसी तरह से ये फिश में भी फाइनल शेफ जो है उसको गार्निश कर रहा है, उसको सजाया जा रहा है। इसी तरह से हर आइटम को फाइनल टच दिया जा रहा है ताकि उसको डिस्प्ले करने रेस्टोरेंट में इसके बाद लगाया जाए। हर चीज़ की टॉपिंग्स हो रही है, गार्निशिंग हो रही है। इसके बाद चीज़ों को रेस्टोरेंट में प्लेस किया जाएगा और बुफे, कोल्ड बुफे जिसे हम कहते हैं, जो आज बच्चे बना रहे हैं उसको तैयार कर रहे हैं। ये आइस है जिसकी कार्विंग करके सजाया जा रहा है ताकि ये बहुत अट्रैक्टिव लगे और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो देखिए शेफ ने ये भी जो है बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरह से इसको होल्ड किया जाता है। इसी के साथ हम इसके बाद आपको पूरा बुफे दिखाएंगे कि किस तरह से बुफे डिस्प्ले होता है। तो यहाँ से बुफे स्टार्ट होता है जहाँ अलग अलग कोल्ड बुफे की वैरायटीज सूप से स्टार्ट होते हुए, स्टार्टर्स से स्टार्ट होते हुए, सैलेड से स्टार्ट होते हुए आगे को मेन कोर्स को बढ़ती है, जो मुख्य भोजन होता है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और ये सारा काम जो है हमारे स्टूडेंट्स ने ही बनाया है और किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कुछ चिकन की डिशेज है, कुछ मीट की डिशेज है, कुछ फिश की डिशेज है, कुछ एग की डिशेज है, कुछ वेजिटेबल है, कुछ टोटल वेज है प्योर। और इस तरह से ये लोग यहाँ पर को अलग अलग डिशेस अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की बनाना सीखते हैं। देखिए फिश कितनी खूबसूरत लग रही है और ये सारे ब्रेड्स यहाँ पर रखी हुई है। ये देखिए इन्होंने तरबूज में कार्विंग भी की हुई है। तो ये इस तरह की क्लासेस यहाँ पर को बच्चे कुकिंग क्लासेस रोज़ सीखते हैं अलग अलग मेन्यू के साथ और वह लोग बहुत अच्छे शेफ बनते हैं फ्यूचर में और बड़े बड़े होटल्स में काम करते हैं। यही नहीं, इसके बाद इन्हीं बच्चों को ये खाना सर्व किया जाता है और वो इसको खाना भी सीखते हैं और अपना देखते हैं कि हमने किस तरह से टेस्ट डेवलप किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।